नमस्कार दोस्तों, आज होली है। इस होली के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो वाइट बग्स होते हैं, प्लांट या फूल के पौधे पे लग जाती है, उसे कैसे छुटकारा पाते हैं। थैंक यू। आपको पता है कि वाइट बग्स जो है हमारे पेड़ों पे काफ़ी लग जाती है, आप देख सकते हैं इस पेड़ में काफ़ी वाइट बग्स लगे हुए हैं और ये धीरे धीरे सभी पेड़ में, सभी पत्तों में लग जाते हैं। सारे पेड़ ये आप देख सकते हैं, देखिए सारे वाइट बग्स लगे हुए हैं। इसका हमें एक सरल से उपाय ढूंढ निकाले हैं जो कि आपके घर में है। देखिए इस फूल में चारों ओर से वाइट बग्स फैली हुई है। देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरे पेड़ में ये उपाय जो है अचूक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। आप इसे अपने घर में ही बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये फूल है, लेकिन इस फूल के पीछे आप अगर देखेंगे तो वाइट बग्स से भरा पड़ा है और ये वाइट बग्स इतने जल्दी अपने आप को प्रोपगेट करती है, तुरंत पूरे पेड़ में फैल जाती है। इसे आपको छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सहज उपाय, देखिए इस पेड़ में धीरे धीरे सारे पेड़ पत्तों पे, सारे डालियों पे भर चुके हैं और इसे हमें छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है जो कि आपके घर में मौजूद है। देखिए सारे पेड़ में भरे हुए हैं ये वाइट बग्स, देख सकते हैं ये पेड़ से फूल लगी है, लेकिन साथ ही साथ वाइट बग्स भी इसमें शामिल है। अभी आइए इसका उपाय हम देखते हैं। हमें जो है लेना है एक बोतल पानी, जिसमें हम उसका स्प्रे लेते हैं, जिसे हम बाज़ार में भी मिल सकते हैं, और एक मग लेते हैं, साथ ही साथ सर्फ एक्सेल लिक्विड और एक रॉजर एंटी बग। हम क्या करेंगे, 20 ml सर्फ एक्सेल ले लेंगे लिक्विड वाली और इस मग में डाल देंगे। इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो रॉजर एंटी बग्स ये है लिक्विड है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml तक लेंगे और उसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे या मिश्रण कर देंगे। इसे हम घोल करके मिला लेंगे जग में, अच्छी तरह से गोल घुमाते हुए इसे मिला देंगे। घुमाते हुए इसको हम इस स्प्रे वाली बॉटल में डाल देंगे। अच्छी तरह से डालना है ताकि ये गिरे ना। पूरी तरह से ये डाल दिए गए हैं। अब इसे हम उसका स्प्रे नोजल डाल देंगे। ये हो गया हमारा सहज उपाय। अभी हम इसे इस पेड़ में जहाँ पे वाइट बग्स लगी हुई थी वो दिखाते हैं। देखिए इस तरह से आपको पूरे डाली में, पूरे पत्ते में स्प्रे कर देनी है। इसे आप 2-3 के अंतराल दे सकते, स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय ध्यान रहे सारे पौधे में लगनी चाहिए, एक भी जगह छूटे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।